दोस्तों एक न्यूज़ चल के आ रहा है कि TVS की तरफ से TVS अपाची RTR 125 क्या 2023 तक में लॉन्च हो जाएगी। कहां तक ये बात सच है आइए इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले एक सच्चे भारतीय होने के नाते इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने रिसर्च किया कि TVS की तरफ से TVS अपाची RTR 125 को क्या 2023 में सच में लॉन्च कर दी जाएगी TVS की तरफ से। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये न्यूज़ अभी कन्फर्म नहीं हुआ है और TVS की तरफ से कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, लेकिन जहां तक उम्मीद है फ्रेंड्स कि TVS अपाची RTR 125 बहुत जल्द इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी और लॉन्च डेट कंफर्म अभी नहीं हुआ है। जैसे ही फ्रेंड्स कंफर्म होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दे दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे जानते हैं कि इंडियन मार्केट में TVS अपाची RTR 125 अगर लॉन्च हो जाती है तो कौन सा मॉडल आपको देखने को मिलता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स 4B मॉडल में, जहां तक ये न्यूज़ आया कि 4B मॉडल में लॉन्च हो जाएगी। और फीचर की अगर बात की जाए तो मीटर कंसोल मिलेगा आपको फुली डिजिटल स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ और सिंगल चैनल ABS। फ्रंट में मिलेगा फ्रेंड्स आपको डिस्क का फीचर्स और हेडलैम्प मिलेगा आपको फुली LED का और DRL लाइट का भी फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। और फीचर्स में 10 लैम्प आपको मिलेगा LED का और लुक और डिज़ाइन मिलेगा आपको 4B जैसा, जो कि काफ़ी इनहेंस और काफ़ी ज़बरदस्त लुक कंपनी प्रोवाइड करेगी TVS की तरफ से। माइलेज मिल जाएगा फ्रेंड्स 50 प्लस का और जो ऑन रोड शोरूम प्राइस होगा वो होगा फ्रेंड्स आपको 1,10,000 से लेकर 15,000 के बीच में अप्रोक्स ऑन रोड शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस की अगर बात की जाए तो 19,000 के अप्रोक्स में आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको रियल चीज़ बता दूं कि अभी TVS की तरफ से कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि TVS अपाची RTR 125 को इंडियन मार्केट में कब लॉन्च करेगी। और जहां तक उम्मीद यह है कि फ्रेंड्स लॉन्च करेगी, लेकिन फ्रेंड्स अभी उम्मीद कम है क्योंकि TVS की तरफ से TVS रेडर 125 को लॉन्च कर दी गई है, जिसका परफॉर्मेंस मार्केट में और सेल फिगर काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर TVS अपाची RTR 125 का आप वेट कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप TVS राइडर को परचेस कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक अच्छा फीचर्स मिलता है। और यदि आप वेट करना चाहते हैं तो उसमें अभी कंफर्म नहीं है कि आपको कितना दिन वेट करना है। बाकी फ्रेंड्स आप TVS राइडर लेना पसंद करोगे या फिर TVS अपाची का वेट करोगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे 125 cc के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली अगर बाइक की बात की जाए तो TVS की तरफ से TVS राइडर आता है, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग का फीचर्स, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और फुल्ली LED कंसोल और हेडलैम्प का सेटअप मिलता है आपको फुल्ली LED का। प्लस में आपको मिलता है DRL लाइट और ABS आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बताया जा रहा है कि 4B मॉडल अपाची में आपको ABS का भी फीचर्स देखने को मिलेगा, जहां तक TVS राइडर में आपको ABS नहीं मिलता है। बट आपको होंडा SP और हीरो ग्लैमर से बेटर फीचर्स आपको TVS राइडर में देखने को मिलता है, स्पोर्टी लुक मिलता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का एक इन्फॉर्मेशन TVS अपाची से रिलेटेड। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर जय हिंद लिखना और कौन सा वीडियो आपको चाहिए कमेंट करिए ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।